हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज की जो अभी जारी है। हम आज के एपिसोड में बात करेंगे जो पहले टेस्ट में हुआ उसके बारे में, और सेकंड टेस्ट में इंडिया को क्या चीज़ें करनी होगी ताकि उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, ताकि एक रिपीट ना हो फर्स्ट टेस्ट का। तो अब बात करते हैं फर्स्ट टेस्ट की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 36 ऑल आउट, द लोएस्ट एवर स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट। ईजी कैच, एच्ड। एक भी बैट्समैन ने डबल डिजिट्स क्रॉस नहीं किया अपना स्कोर में। और क्या कर सकती है इंडिया कि ऐसा रिपीट ना हो। अब सबसे पहला काम जो इंडियन टीम को करना है इस उन्हें अज्यूम करना है कि सीरीज सेकंड टेस्ट से स्टार्ट हो रही है। दे हैव टू इंश्योर दैट दे रिमूव द फर्स्ट टेस्ट फ्रॉम देयर मेमोरी। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। लेकिन ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है उनकी सेकेंड इनिंग्स बैटिंग में खास करके, जो उसको भुलाना आसान नहीं है। सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, प्रेस में बस इसी की बातें होंगी, लोग इसी के बारे में सवाल पूछेंगे उनसे। इसलिए उसको बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे हैव टू शट आउट द नॉइज़, जैसा कि मोहम्मद कैफ ने अपने ट्विटर अकाउंट पे कहा है। दे हैव टू इंश्योर दैट दे फोकस ऑन द टास्क ऑन हैंड। और इसीलिए मेरा मानना है उन्हें अब ये टेस्ट सीरीज को देखना चाहिए एक 3 टेस्ट सीरीज की तरह, जिसमें से इन्हें 2 टेस्ट जीतने हैं ताकि वो सीरीज जीत सके या ड्रॉ कर सके। इस तरह से इंडियन टीम को अप्रोच करना पड़ेगा इस टेस्ट सीरीज को ऑस्ट्रेलिया के साथ। जो दूसरी चीज़ इंडियन टीम को करनी पड़ेगी वापसी करने के लिए टेस्ट सीरीज में, वो ये होगी कि उन्हें किसी भी तरह अपना सिलेक्शन सही करना होगा। इट्स नॉट दैट द इंडियन टीम इज यू नो नॉट केपेबल ऑफ विनिंग अ टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनका टीम सिलेक्शन बहुत ही खराब हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि केएल राहुल जैसे बल्लेबाज को आप बाहर कैसे बिठा सकते हो। और ये बात मैं अभी नहीं कह रहा हूँ जब इंडिया टेस्ट मैच हार चुकी है। मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड में भी कहा हुआ है, जब मैंने कहा है कि इंडिया का फर्स्ट 11 क्या होना चाहिए टेस्ट सीरीज में, दैट केएल राहुल शुड बी द वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स ऑन द टीम शीट गोइंग फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। नॉट ओनली इज ही अ क्लास प्लेयर, वो एक अग्रेसिव प्लेयर हैं, और वो जो पिछले मैच में हुआ ऐसी सिचुएशंस में इंश्योर कर सकते हैं कि वो अपनी अग्रेसिव क्रिकेट खेलकर टीम को मुश्किल से बाहर ला सकें। तो सबसे पहले तो इंडिया को अपना सिलेक्शन सही करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि इस सिलेक्शन जो वो करेंगे अपनी टीम का, उसमें क्लियरली पृथ्वी शॉ हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाई शुभम गिल। केएल राहुल हैज़ टू कम इन प्लेस ऑफ विराट कोहली। और अगर रविंद्र जडेजा फिट हैं, अगर उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी ठीक हो गई है, तो उन्हें डेफिनेटली टीम में आना होगा हनुमा विहारी की जगह। बिकॉज मेरा ये मानना है कि आज के दिन में व्हाट जडेजा ब्रिंग्स टू द टेबल इन टर्म्स ऑफ बैटिंग टैलेंट, वो उतना ही अच्छा है या शायद बेहतर है जो हनुमा विहारी लाते हैं उससे। और दूसरी बात, जो उनकी बॉलिंग है वो एक एडेड एडवांटेज है। और ख़ास करके चूंकि अब मोहम्मद शमी इंजर्ड है, ये बहुत ज़रूरी है कि अब इंडिया एक 5-prong पेस अटैक के साथ जाएं, जिसमें कि होंगे बुमराह, जिसमें होंगे नवदीप सैनी, मेरा चॉइस शमी की जगह, जिसमें होंगे उमेश यादव, और जिसमें होंगे अश्विन और जडेजा। जडेजा और अश्विन ना ही बॉलिंग को स्ट्रांग करते हैं बट बैटिंग को भी एक मजबूती देते हैं। और मेरा लास्ट चेंज जो होगा, और मैं बहुत क्लियर हूँ, ये मैंने सीरीज़ के पहले भी कहा था जब मैंने टीम रेकमेंड की थी, कि साहा की जगह पंत को खेलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, ऑलरेडी उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, आपने उनको T20 और वनडे टीम से बाहर कर दिया है। कभी ना कभी टीम मैनेजमेंट को उसे बैक करना होगा। पंत ने परफॉर्म किया है इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, टेस्ट मैचेस में, पहले भी टूर मैच में भी उन्होंने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था। एंड इन टाइट मैचेस लाइक द वन दैट हैपेंड यू नो अ फ्यू डेज बैक, एक क्विक फायर 30-40-50 गेम का नक्शा बदल सकता था। और जहाँ तक कि बैटिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, ऐसा नहीं है कि साहा ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई पिछले मैच में। दोनों ही इनिंग्स, खास करके पहली इनिंग में, उन्होंने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल शॉट खेला। सो आई थिंक पंत शुड बी इन दैट लाइनअप। तो मेरी टीम जो होगी सेकेंड टेस्ट के लिए, वो होगी मयंक अग्रवाल, शुभम गिल, चेतेश्वर पुजारा, वन डाउन, रहाणे को नंबर 4 पे खेलना होगा, ही इज़ द कैप्टन, ही हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, फॉलोड बाई केएल राहुल, एंड देन यू हैव रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत एंड अश्विन, दीज मेकअप योर टॉप 8। और फिर आपके पास
हैं बुमराह, उमेश यादव और नवदीप सैनी. सो दिस शुड बी योर प्लेइंग 11 फॉर द सेकेंड टेस्ट मैच. पॉइंट नंबर 3 जो मुझे लगता है इंडियन टीम को अडॉप्ट करना चाहिए इज यू नो प्ले विथ अ बिट मोर ह्यूमिलिटी. देर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन कॉकीनेस एंड कॉन्फिडेंस. एंड मुझे लगता है ऑफ लेट थोड़ा कॉकीनेस आ गया इंडियन टीम में फ्रॉम द काइंड ऑफ कॉमेंट्स दे मेक इन मीडिया. अब रवि शास्त्री ने जब लास्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था तब एक कॉमेंट कर दिया कि दिस इज़ द बेस्ट इंडियन टेस्ट साइड एवर, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खेला. लेकिन ये भी देखना ज़रूरी था कि उस टीम में ना स्टीवन स्मिथ थे, डेविड वार्नर थे, वो लोग बहुत ही जल्दी सीरीज से पहले एक क्राइसिस से उभर के आए थे. पेपर गेट क्राइसिस था जो साउथ अफ्रीका में हुआ था. तो ऐसे माहौल में ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना मुश्किल भी नहीं था. दूसरी बात, अब रवि शास्त्री ने कहा कि शॉ इज़ अ मिक्सचर ऑफ सचिन तेंदुलकर, लारा और वीरेंद्र सहवाग. आज आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, ऑलरेडी उस लड़के को आपने प्रेशर में डाल दिया और फिर जिस तरह की परफॉर्मेंस उसने दी, इतने मीम्स बन रहे हैं, इतने जोक्स बन रहे हैं अराउंड पृथ्वी शॉ, तो थोड़ा टेम्पर डाउन कर दें अपने टोन को तो बेटर रहेगा. वैसे मेरा ये मानना है कि टीम्स अक्रॉस जनरेशन शुड नॉट बी कंपेयर्ड, बट शुरुआत तो रवि शास्त्री ने की. उन्होंने कहा कि बेस्ट एवर टेस्ट टीम है. अब अगर आप जब ये कहते हो तो आपको ये भी तो देखना चाहिए कि उस टीम ने सामने किस ऑपोजिशन को प्ले किया. मेरा ये मानना है कि जो टीम 2004 में ऑस्ट्रेलिया गई थी वो बहुत स्ट्रांग थी. इतना इजीली कह देना कि ये बेस्ट टीम है सही बात नहीं होगी, क्योंकि उस टीम ने टेस्ट सीरीज़ को ड्रॉ किया था और उस टेस्ट सीरीज़ को ड्रॉ किया था जिसमें स्टीव वॉक कप्तान थे, उनकी लास्ट सीरीज थी एज प्लेयर एंड कैप्टन, जिसमें बॉलिंग लाइनअप था ग्लेन मगरा, गिलेस्पी, शेन वॉन, ऐसे दिग्गज टीम के साथ इंडिया ने सीरीज ड्रॉ की थी. इनफैक्ट जो लास्ट मैच था स्टीव वॉ का, वो मैच तो ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया हारने वाली थी, बट किसी तरह स्टीव वॉ ने उस मैच को बचा लिया एंड दैट सीरीज वॉज ड्रॉन. सो इट इज़ नॉट फेयर टू कंपेयर टीम्स अक्रॉस जनरेशंस बिकॉज ऑपोजिशन की भी स्ट्रेंथ अलग थी तब. आज के दिन में बाकी सारी ऑपोजिशन टीम्स उतनी स्ट्रांग है नहीं जितनी वो तब थी जब सचिन खेलते थे. और इवन फॉर दैट मैटर जब सुनील गवास्कर की टीम गई थी, जो वाडेकर कप्तान थे, उन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस जीते थे, तो ये कह देना इतनी आसानी से कि हमारी बेस्ट एवर टेस्ट टीम है, ये सही नहीं होगा. तो कहीं ना कहीं ये जो कॉकीनेस आ गया है ना टीम में, इसको उन्हें थोड़ा कब करना पड़ेगा. यू हैव टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. जस्ट बाय डिसमिसिंग हिस्ट्री एंड सेइंग पहले का कोई मतलब नहीं है, हम ही बेस्ट है, ये एक एरोगेंस है और वो एरोगेंस दिखता है. आपने क्या किया, आप इंग्लैंड में कोई सीरीज जीते नहीं हो, आप साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीते नहीं हो, इसी साल न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट हुए थे, दोनों टेस्ट इंडिया हारी थी, उसमें से 2 इनिंग्स में तो 200 रन भी बने नहीं थे, एक भी इनिंग में इंडिया ने 300 रन नहीं बनाए. पहला टेस्ट इंडिया 10 विकेट से हारी, दूसरा टेस्ट इंडिया 7 विकेट से हारी. सो एकदम कन्विंसिंग विक्ट्रीज थी न्यूजीलैंड की, और अब जो हाल हुआ पिछले मैच में ये है. सो आई थिंक दे शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड. ये जो हुआ है इस टेस्ट मैच में, ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है, ये कुछ समय से चल रहा है. इंडिया ने कुछ नहीं सीखा अपने पिछली न्यूजीलैंड सीरीज से जहां वो दोनों टेस्ट हारे थे इतनी बुरी तरह. सो कहीं ना कहीं ये ह्यूमिलिटी, ये एहसास आना जरूरी है दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट द टीम नीड्स, स्पेशली ड्यूरिंग ओवरसीज टेस्ट. सो एक ये कॉकीनेस को ज़रा शेड करना पड़ेगा इंडिया को. अगर आप विराट कोहली का भी इंटरव्यू देखें, सो हालांकि ही वॉज क्वाइट लॉस्ट इन हिज पोस्ट मैच इंटरव्यू, उन्हें काफ़ी झटका लगा था, बट एक पॉइंट उन्होंने बोला जो खटका, कि वी डोंट नीड टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलहिल. अब बात यह है कि कैसे मोलहिल से माउंटेन ना बनाए. ये लोएस्ट एवर टेस्ट स्कोर है. इनफैक्ट एक समय पर खतरा ये था कि ना ही ये लोएस्ट एवर टेस्ट स्कोर बाय एन इंडियन साइड, बट द लोएस्ट एवर टेस्ट स्कोर बाय एनी साइड पे इंडिया ऑल आउट हो सकती थी. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमको इसे लेके अपने आप को वे डाउन करना है या इसके बारे में हमें भूलना नहीं है. इंडिया इज़ डेफिनेटली मच बेटर टीम देन दैट, और जहाँ जिस तरह से इंडिया मैच हारी है वहाँ से तो ऊपर ही उठेगी. बट हमें कॉग्निजेंट रहना है कि बहुत सारी चीज़ों पे इम्प्रूव करना है. और हाँ, बैकलैश होगा, कहीं ना कहीं टीम ने लेट डाउन किया है अपने फैंस को, अपने फैंस को छोड़िए टीम ने खुद को लेट डाउन किया है इस तरह के परफॉर्मेंस से. सो ऑल इन ऑल मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कॉकीनेस थोड़ा कम, ओवर द टॉप एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स मीडिया में कम, फोकस ऑन द टास्क ऑन हैंड, ग्राइंड कीजिए एंड किसी भी तरह इस सीरीज को भी एक नई सीरीज की तरह ट्रीट कीजिए और अफ्रेश स्टार्ट कीजिए. ज़रूरी नहीं है ये सब करने से इंडिया जीतेगी, बट कम से कम परफॉर्मेंस तो बेटर रहेगी जो पहले टेस्ट में रही उससे. तो चौथी चीज़ जिस पर इंडियन टीम को ध्यान देना पड़ेगा वो होगी फील्डिंग.
इंडिया हैव टू लैच ऑन टू देयर कैचेस. इनफैक्ट दे हैव टू टर्न डिफिकल्ट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो इन टू कैचेज अगर उन्हें अब सीरीज में रहना है और जीतना है. बट यहाँ तो ये हुआ कि हाथ के कैच भी छूट रहे थे और इसीलिए भी एक और कारण है कि मैं चाहूँगा जडेजा टीम में है अगर वो फिट हो तो, बिकॉज उनकी फील्डिंग भी बहुत बढ़िया है. वो ओवरऑल स्तर फील्डिंग का इम्प्रूव करते हैं. सो अगर इंडिया को इस सीरीज़ में एक डिफरेंस लाना है या इस सीरीज़ को टाइटली कॉन्टेस्ट करना है तो उन्हें अपनी ऑन ग्राउंड फील्डिंग और कैचिंग को डेफिनेटली इम्प्रूव करना पड़ेगा. दे हैव टू वर्क रियली हार्ड ऑन द कैचेस. और पांचवी और आखिरी चीज़ जो मैं कहूँगा जो इंडियन टीम को फॉलो करनी होगी रेस्ट ऑफ द सीरीज़ इज़ दैट दे हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द सिलेक्शन. उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादातर वो अब सेम टीम खेले बाकी के तीनों मैचेस में. बारिंग से अगर रोहित शर्मा फिट हैं तो उन्हें टीम में डेफिनेटली ले आना चाहिए. बट उसके अलावा बाकी के जो 10 प्लेयर्स हैं उन्हें टिक के रहना चाहिए उन्हीं प्लेयर्स के साथ अनलेस एंड अनटिल देर इज़ अ ग्रेव इंजरी. उन्हें ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग अब नहीं करनी चाहिए बिकॉज एक कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए. आप केएल राहुल को ला रहे हो अगर सेकंड टेस्ट मैच में तो उसे कॉन्फिडेंस दो कि अगले तीन मैच वो खेलेंगे. अगर आप शुभमन गिल को ला रहे हो तो उसे कॉन्फिडेंस दो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू परफॉर्म्स ही इज गोइंग टू प्ले द एंटायर सीरीज. उससे ऐसा कॉन्फिडेंस देने से प्लेयर भी बेबाक होके खेलता है. मुझे अच्छे से याद है जब सौरभ गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग को ओपनर बनाया था साउथ अफ्रीका में ब्लोमफोन्टेन में जब वो अपना पहला मैच खेले थे तो दादा ने सहवाग को कहा था कि कोई भी चेंज रूम में बैठ के रन नहीं बना सकता है. और अभी फिलहाल इंडिया का मिडल ऑर्डर इतना स्ट्रांग है कि वीरू तुझे एंट्री नहीं मिलेगी इसमें. सो आई वॉन्ट यू टू ओपन. तू ओपनर नहीं है तो भी तू ओपन कर और मैं तुझे गारंटी देता हूँ तो पूरी सीरीज़ खेलेगा और मैं तुझे जल्दी से ड्रॉप नहीं करूँगा. और इस तरह का जब कॉन्फिडेंस मिलता है एक यंग प्लेयर को, हमने सबने देखा सहवाग ने क्या किया. पहले ही टेस्ट मैच में तो इतना स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप था जिसमें पॉलॉक थे नितिनी थे उसमें 155 रन बनाए सहवाग ने, उसने एक सेंचुरी मारी. तो इस तरह का कॉन्फिडेंस जब टीम मैनेजमेंट देता है कप्तान देता है एक यंग प्लेयर को तो ज़रूर वो आपको रिवॉर्ड करेगा उस कॉन्फिडेंस के लिए और अच्छा खेलेगा. मुझे लगता है ऑफ लेट कई यंग प्लेयर्स को वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया रहा. बहुत अननेसेसरी चॉपिंग एंड चेंजिंग है जैसे कि राहुल को नहीं खिलाना या राहुल को वनडेज और टी20s में खिलाना अगर वो विकेट कीपिंग करें तो. संजू सैमसन के साथ कोई कंसिस्टेंसी नहीं है. अंबाती रायडू को वर्ल्ड कप से पहले खिलाया और फिर वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप कर दिया. विजय शंकर को लिया वर्ल्ड कप में बोल के कि वो 3D प्लेयर है और फिर वर्ल्ड कप के बाद वो 3D प्लेयर गायब हो चुके हैं. सो देयर इज जस्ट टू मच चॉपिंग एंड चेंजिंग. यंग प्लेयर्स को थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा इस टीम को. इनफैक्ट जैसा कि वीरेंद्र सहवाग ने कहा, धोनी ने खुद ने विराट को कितना बैक किया था जब विराट नहीं चले थे इंग्लैंड सीरीज में. ही परसिस्टेड विथ हिम. ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी वो नहीं चले, फाइनली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में एक सेंचुरी मारी. तो इस टीम मैनेजमेंट को विराट को रवि शास्त्री को ध्यान रखना होगा कि वो यंग प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस और मोराल बढ़ाए रखें. तो दे हैव टू स्टिक विद द टीम अनलेस देयर इज एन इंजरी फॉर द नेक्स्ट 3 मैचेस. सो ये 5 चीज़ें मुझे लगता है इंडियन टीम मैनेजमेंट को करना चाहिए बाकी के 3 टेस्ट में. एंड होपफुली जैसा कि मैंने कहा वो चाहे मैच जीते हैं या हारें कम से कम जो वो कंपटीशन देंगे ऑस्ट्रेलिया को एटलीस्ट वो जो फाइट करेंगे उस फाइट में दम होगा. एटलीस्ट दे विल परफॉर्म मच बेटर देन व्हाट दे डिड इन द फर्स्ट टेस्ट मैच. तो यही मेरा कहना है बाकी की टेस्ट सीरीज़ के लिए. आई होप द इंडियन टीम डज बेटर और अगर वो मैच जीत जाएँ तब तो बिल्कुल सोने पे सुहागा होगा. मोर सो इन द एब्सेंस ऑफ द रेगुलर कैप्टन विराट कोहली हु इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन एंड फ्रंटलाइन बैट्समैन इन द टेस्ट सीरीज. सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू मच इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड वी एज फैंस मस्ट बैक आर इंडियन टीम इन द कमिंग फ्यू टेस्ट. लेट्स होप दे पुट अप अ मच बेटर शो. फॉर मोस्ट सच वीडियोज प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कंटेंट मॉन्स्टर्स. हम ऐसे वीडियोज़ बनाते रहेंगे और जल्दी आपसे मिलेंगे. थैंक यू.